हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 11। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम देखेंगे नीड ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे। तो तीनों एरे को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ एरे, तो एरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है इंट एक्स, एक्स में हमने 5 वैल्यू असाइन की, एक्स में हमने 10 वैल्यू असाइन की, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया एक्स, तो आउटपुट आता है एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट वैल्यू थी 10, वो प्रिंट हो गई, लेकिन जो 5 वैल्यू थी तो ये लॉस हो गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो जो लोकल मींस जो सिंपल वेरिएबल होता है, वो एक एक बार में केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जैसे ही लेटेस्ट वैल्यू 10 असाइन की, तो यहाँ पर 5 लॉस हो जाता है, मीन्स जो प्रीवियस वैल्यू लॉस हो जाती है। तो क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है, तो सिंपल वैल्यू वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, दो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए हमें एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम देखेंगे कि द प्रोग्राम प्रिंट वैल्यू एक्स एज 10, मीन्स जो प्रोग्राम ने 10 वैल्यू को प्रिंट किया, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 10 वैल्यू इज लेटेस्ट वैल्यू एंड एक्स 5 इज अ लॉस्ट, मीन्स एक्स 5 इज अ ओल्डेस्ट वैल्यू। सेकंड जो रीज़न है, ऑर्डिनरी वेरिएबल आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। तो जो आपका जो एक्स जो वेरिएबल है, वो लोकल वेरिएबल है या ऑर्डिनरी वेरिएबल है, जो कि एक बार में केवल एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, दो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। सपोज इफ यू वॉन्ट टू स्टोर मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम इन अ सिंगल वेरिएबल, तो हम चाहते हैं कि किसी एक ही सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कराना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे मैं स्टोर कराना चाहता हूँ कि वी अरेंज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 100 स्टूडेंट। एक ही वेरिएबल हम 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं, तो इस तरह के वेरिएबल हम कैसे कराएंगे? तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन मीन्स सिचुएशन बनती है कि या तो जो हमारा मीन्स हम 100 मार्क्स को कैसे प्रिंट कराएं, मीन्स स्टोर कराएं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला केस है कि या तो हम 100 वेरिएबल को लाइन बाय लाइन 1 से लेके 100 तक बनाकर उसमें हर वेरिएबल में हम एक एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे और फिर उसको 100 बार प्रिंट करेंगे, या फिर सेकंड चॉइस हमारी ये है कि एक हम एरे वेरिएबल ले लेंगे और उस एरे वेरिएबल में हम 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं एक ही बार में। तो आई थिंक जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि ये जो ऑप्शन है, इसमें आपका प्रोग्राम काफ़ी 100 टाइम तक आपको 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो 100 लाइन वैसे ही बढ़ जाएंगी, उसके बाद फिर आप प्रिंट कराओगे। तो इस तरह से 100 टाइम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम की लेंथ काफ़ी साइज इंक्रीज हो जाएगी और प्रोग्राम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी प्रोग्राम की। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, एरे का यूज़ करके आप 100 मार्क्स को 100 स्टूडेंट के मार्क्स को आप स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है, जो कि हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। अब सिमिलर टाइप के एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे किसी एरे में हम इंटीजर टाइप के एरे को कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के। मींस एक ही एरे में हम अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर नहीं कर सकते। मींस सपोज ए स्टूडेंट मार्क्स है, तो हम इसमें इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल को 100 मार्क्स को स्टोर करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम फ्लोट के या कैरेक्टर के मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एरे को हम सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट 100 मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। इस तरह से आप स्टोर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे के यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, या मल्टी डायमेंशन कह सकते हैं, क्योंकि
दो से ज्यादा डायमेंशन होंगे तो उसको हम 3, 4, 5, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे में हम जो यूज़ करते हैं वो एक सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, मींस जो हम उसकी वेरिएबल की साइज लेंगे और उस एक ही सब स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, मींस एक कॉलम हम यूज़ करते हैं एक सब स्क्रिप्ट इस तरह से। तो इसको हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे हमने कोई इंटीजर नंबर हमने 5 लिया, तो 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो ये एरे की साइज को रिप्रेजेंट करता है एक ब्रैकेट के अंदर, और ये नंबर एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर कोई वेरिएबल है और 10, 20, 50 मीन्स ये 5 एलिमेंट्स को ये स्टोर करेगा। अभी किस तरह से स्टोर करेगा यहाँ आगे हम देखते हैं। तो ये कंप्यूटर रिजर्व 5 स्टोरेज लोकेशन, तो कंप्यूटर में 5 मीन्स लोकेशन को रिजर्व करेगा। तो इस तरह से जो एरे 5 है तो 0 से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 5 सपोज मेमोरी ब्लॉक हैं। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से स्टोर करेगा। तो सपोज जो ब्लॉक है मीन्स इंडेक्सिंग है, तो एक इंडेक्स में 10 वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा जो इंडेक्स है उसमें 20, फिर तीसरा इंडेक्स में 30। तो इस तरह से हर हर एक इंडेक्सिंग में एक एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेमोरी लोकेशन है, तो हर एक मेमोरी लोकेशन में एक एक वेरिएबल मीन्स एक एक वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे आपका 0 इंडेक्स में 10 वैल्यू स्टोर हो गई, 1 वैल्यू में 1 इंडेक्स में 20 वैल्यू। इस तरह से आपके जो 5 वैल्यूज मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से वन डायमेंशन एरे डिक्लेयर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइप वेरिएबल नेम साइज, तो जो अभी हमने बताया था कि ये ब्रैकेट जो है वो साइज को बताता है, और वेरिएबल नेम वेरिएबल को, और किसी टाइप मीन डेटा टाइप को कि इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर किस टाइप का एरे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लोट लेंथ 60, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 60 उसकी मीन 60 हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये साइज है, लेंथ कोई वेरिएबल है और फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट टाइप की लेंथ मीन्स अलग अलग हम लेंथ 60 लेंथ हम स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो एरे है 20 सैलरी हम स्टोर करा सकते हैं इंटीजर टाइप की, और कैरेक्टर जो नेम है वो 11 कैरेक्टर हम स्टोर करा सकते हैं। 11 कैरेक्टर को हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ स्टोर हो रहा। तो यहाँ पे हम 11 कैरेक्टर ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे 10 कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा। और लास्ट में जो हमारा नल है, तो एक एडिशनल मीन्स एक जो हम कैरेक्टर की साइज लेंगे वो एक अलग से बढ़ा के लेंगे, क्योंकि लास्ट में नल वैल्यू हमें ये बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है या हमारा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो एंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ लिखा है कि व्हेन डिक्लेयर कैरेक्टर एरे वी मस्ट अलाउ वन एक्स्ट्रा एलिमेंट स्पेस फॉर द नल टर्मिनेटर, मतलब नल टर्मिनेटर ये बताता है कि हमारा जो कैरेक्टर एरे है वो एंड हो गया। तो इसलिए हमें एक साइज बढ़ा के लेनी पड़ती है जब हम कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, अब वन डायमेंशनल एरे किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, तो इस तरह से हम दो तरह से वन डायमेंशनल एरे इनिशियलाइज करते हैं, एक तो कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में हम देखते हैं कि कंपाइल टाइम में कि द एलिमेंट ऑफ एरे इन द सेम वे एज द ऑर्डिनरी वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप एरे का यहाँ नेम रहेगा साइज, और यहाँ आप इस तरह से कर्ली ब्रेस ब्रेस में आप यहाँ पे उसका अलग अलग एलिमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे 5 आपने वैल्यू स्टोर मीन्स 5 का आपने एरे लिया, तो 5 साइज का, तो यहाँ 5 एलिमेंट आप एज आ इस तरह से इस फॉर्म में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिया, अब आप साइज आप 5 ले रहे हैं लेकिन वेरिएबल केवल आप 3 यहाँ स्टोर करा रहे हैं एलिमेंट। तो इस तरह से आप 3 स्टोर, लेकिन आप उस एरे की साइज से ज़्यादा स्टोर नहीं करा सकते हैं, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। तो इस तरह से आप साइज आप ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन उसमें कम एलिमेंट भी स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ ब्लैंक साइज है, तो इस ये भी एक वैलिड मीन्स फॉर्म है कि आप यहाँ ब्लैंक रख सकते हैं यहाँ पे कितने भी। तो ये का अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरह से मेमोरी स्पेस बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने 5 ब्लॉक ऑक्यूपाई किए थे और 3 ही ब्लॉक यूज हुए, यहाँ पे आपके 4 ब्लॉक मीन्स 4 मेमोरी स्पेस यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे आपने साइज नहीं दी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है,
इस तरह से आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर नेम है ना, इंटीजर नेम, इंटीजर इस तरह से। यहाँ पे आप आपने 5 दे दिया, 2 नंबर स्टोर करा सकते हैं, कैरेक्टर सिटी, इस तरह से आप एरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब रन टाइम पे हम देख सकते हैं, रन टाइम पे किस तरह से एरे में, तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब उस टाइम पर हम एरे की साइज हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से स्कैन फंक्शन, जो स्कैन फंक्शन के थ्रू हम एरे में अलग अलग एलिमेंट स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटीजर ए, और यहाँ पे 4 हमने कोई साइज ली, इंटीजर ए का ये वेरिएबल है। तो इस तरह से स्कैन फंक्शन जो, क्योंकि हमने 4 एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो इसलिए हम परसेंट डी भी 4 टाइम ही लेंगे। और यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ ए, हमेशा स्कैन फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैन फंक्शन वैल्यू को स्टोर करता है, मीन्स उसको हर एलिमेंट का पर्टिकुलर एड्रेस पर उस वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये 0 मीन्स 0 इंडेक्स पे कोई एक फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेगा और किसी पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करेगा। इसी तरह से सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, तो 4 एलिमेंट को इस तरह से रन टाइम, मीन्स जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब हम कीबोर्ड से वैल्यू को एंटर करेंगे। तो एक छोटे से प्रोग्राम से हम समझते हैं किस तरह से एरे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर एवरेज सम 0, तो यहाँ पे हमने एक दो वेरिएबल लिए, एक एवरेज का और एक सम का, और एक और एडिशनल वेरिएबल आई, और एक इंट आई, इंट मार्क्स 5। तो एक मार्क्स जो 5 एक एरे टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया, इसे हम एरे डिक्लेरेशन कहेंगे। अब यहाँ पे जो फॉर लूप है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई, तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो 5 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही एरे स्टार्ट होगा तो 5 टाइम ये लूप चलेगा, तो प्रिंट है, वे पूछेगा कि एंटर मार्क्स, तो मार्क्स पूछेगा, तो जो पहला जो ऐसे लूप चलेगा कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन 4, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लूप मीन्स लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लूप चलेगा और यहाँ पे स्कैन एफ यहाँ पे पूछेगा कि मार्क्स मीन्स आई की जो साइज है 5 है, तो सबसे पहले मार्क्स, वो जैसे मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा कोई मार्क्स, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं 70 हमने यहाँ पे एंटर किया, तो 70 मार्क्स स्टोर कर लेगा इस एरे एरे जो इंडेक्सिंग जो 0 होगी 0 पर, है ना। और फिर इस तरह से फिर अब सेकंड टाइम फिर एरे रन होगा, क्योंकि अभी इसने एक एलिमेंट स्टोर किया, फिर सेकंड टाइम करेगा क्योंकि आई की वैल्यू सेकंड टाइम हो जाएगी 1, अभी 0 थी, तो फिर 1 लेस देन 4, तो फिर कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से फिर ये पूछेगा एंटर मार्क्स, तो सेकंड टाइम फिर एंटर आप 85 मार्क्स एंटर करेंगे, तो सेकंड आप इंडेक्सिंग पे सेकंड मार्क्स स्टोर होगा। इसी तरह से 5 टाइम में 5 मार्क्स स्टोर होंगे, जब सारे मार्क्स स्टोर हो जाएंगे तो आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, फिर कंट्रोल पास होगा इस फॉर जो सेकंड जो आपका लूप है सेकंड फॉर लूप पर, और यहाँ पे कंट्रोल स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आप चेक करेंगे जो सम स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 प्लस, अब यहाँ पे एरे में जो एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स वाइज, तो एक एक एरे यहाँ पे पास होगा। तो सबसे पहले जो फॉर लूप चलेगा, तो जो सबसे पहले फॉर लूप चला था, तो जो जो 70 वैल्यू हमने स्टोर करी थी, 70 वैल्यू यहाँ पे पास होगी और एक बार लूप चलने पर, और 70 वैल्यू 70 प्लस 0, तो यहाँ 70 प्लस 0, और यहाँ पे सम में 70 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे रीड डेटा फ्रॉम एरे मीन्स जो एरे से एक एक डेटा को रीड करेगा और सम करेगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर हो गई। फिर सेकंड टाइम फिर लूप चलेगा, क्योंकि 5 टाइम फिर लूप चलेगा, तो 5 बार क्या करेगा, 5वें वैल्यू को मार्क्स जो है सम में प्रिंट मीन्स स्टोर करेगा। तो अभी सम में वैल्यू 70 आ गई, तो 70 फिर नेक्स्ट टाइम सम 70, और सेकंड टाइम जो वैल्यू थी 85, तो 85 70 यहाँ स्टोर हो जाएगी, तो उसका सम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर इस तरह से 5वें वैल्यू को सम करेगा, और फिर यहाँ पे हमने एवरेज सम, तो सम में जो भी सारा जो 5वें वैल्यू का सम आएगा उसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो यहाँ एवरेज में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में हमने एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, तो जो भी उसका एवरेज आएगा वो प्रिंट हो जाएगा 83। तो इस तरह से एरे आपका ये जो यहाँ पर हमने यहाँ पे कंपाइल टाइम मीन्स रन टाइम हमने एरे में वैल्यू स्टोर कराई यहाँ पे, तो आप रन टाइम भी आप एरे में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। आई थिंक आपको प्रोग्राम में पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 1 डायमेंशनल एरे वर्क करता है। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे में जो हम देखते थे कि 1 डायमेंशन में हम केवल
एक ही सेमी कॉल मीन्स एक ही ब्रैकेट यूज कर रहे थे, लेकिन टू डायमेंशन में हम दो ब्रैकेट यूज करेंगे, और टू डायमेंशन जब हम यूज करेंगे तो वहां पर हम रो और कॉलम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू यूजिंग टू डायमेंशन अरे। टू डायमेंशन अरे इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो टू डायमेंशन एरे में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज हैं और 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो कॉलम जो हमें आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा, और सेल्समैन में यहाँ पर रोज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस टेबल कंटेंट 12 वैल्यूज, क्योंकि 12 वैल्यूज हैं, 3 3 3, तो 4 रो में यहाँ पर डिस्क्राइब की गई। तो 12 वैल्यूज 3 इन ईच लाइन। दिस टेबल लाइक अ मैट्रिक्स ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। ईच रो रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स बाय अ पर्टिकुलर सेल्समैन, एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर आइटम। तो इस तरह से अलग अलग जो आइटम्स और सेल्समैन की जो वैल्यूज हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं टू डायमेंशन एरे, या इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबल फॉर्म भी, क्योंकि टेबल फॉर्म में हम 2D एरे का लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से, क्योंकि 1 डायमेंशन एरे में हम टेबल फॉर्म में प्रिंट नहीं करा सकते। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशन एरे किस तरह से डिक्लेयर करते। तो मैथमेटिकली जो है हम वो उसको सबस्क्रिप्ट जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो MIJ। तो M जो है यहाँ पर, M हमारी कोई मैट्रिक्स है, और IJ जो है, I हमारे किसी I की जो वैल्यू वो हमारी रो को रिप्रेजेंट करेगी, और J की जो वैल्यू वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल है, सिंटेक्स है, और एग्जाम्पल है M 4 3। तो 4 जो है 4 रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो आई जे मीन्स एम इज, जो हम यहाँ पर मीन्स थ्योरी के थ्रू बताते हैं, MIJ। तो MIJ मीन्स आई इज अ रिप्रेजेंट बाय रोज एंड 3 रिप्रेजेंट बाय अ कॉलम। अब यहाँ पर हम उसको और डिटेल में देखेंगे। जो हमारी 2D मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो रो जीरोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3, और यहाँ पे कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे मैट्रिक्स में जो हमारा एक जो मीन्स कॉलम है, या एक जो हमारी सेल है, उसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसको 0 1, क्योंकि रो हमारी 0 है और कॉलम 1, और इसी तरह से जो रो 0 एंड कॉलम 2। तो इसी तरह से आइटम्स को एक्सेस करते हैं 2D एरे में। तो ये 2D एरे इस तरह तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे किस तरह से 2D एरे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया रो 5 एंड कॉलम 5। तो यहाँ पर जब प्रोग्राम रन होगा, तो यहाँ से यहाँ पर वेरिएबल हमने यूज़ किया IJ, रो कॉलम प्रोडक्ट रोज एंड कॉलम, प्रिंट है मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आप आउटपुट में देखिए, मल्टीप्लिकेशन और टेबल सबसे पहले प्रिंट होगा। उसके बाद ये जो पहला वाला फॉर लूप है, तो पहला वाला फॉर लूप 1 2 3 4 5, ये जो आपके नंबर्स है मीन्स कॉलम को प्रिंट करेगा। कॉलम प्रिंट जे मीन्स सारे जो 1 2 3 है 5 बार, क्योंकि कॉलम की साइज 5 है। तो कॉलम 5 टाइम लूप मीन्स चलेगा 5 टाइम, और 5 टाइम 1 2 3 4 5 को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर प्रिंट एन मीन्स न्यू लाइन पर, फिर आपका ये जो जो डेड डैश लाइन है इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ। तो इस वाली लाइन को प्रिंट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर लूप है रोज, ये रोज को प्रिंट करेगा। तो हमारी ये रोज हैं, जैसे रो 1 रो 2, तो यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट होगा रोज, है ना। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन रोज मीन्स 0 छोटा है रो, तो रो में कितनी वैल्यू है 5, क्योंकि हमने 5 यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो 0 छोटा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो रो इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे i+1 हो जाएगा। तो i+1 मीन्स आई में कितनी वैल्यू है 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 मीन्स प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे जो डिज़ाइन मीन्स जो यहाँ पे ये सिंबल प्रिंट होगा, और इस तरह से फिर आपका यहाँ पर मीन्स ये जो मीन्स नंबर है, इस फॉर लूप से प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5, और ये जो मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये है इस फॉर लूप से प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे फॉर j=1, तो यहाँ पे j=1, j<ln>कॉलम और j++। तो यहाँ पे j जो है 1 वैल्यू है, तो 1 < इज इक्वल टू कॉलम, तो 1 छोटा है 5 से, एंड j++। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपका कॉलम इज इक्वल टू j, तो j में जो
वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी कॉलम में। तो जे में वैल्यू वन है तो वन असाइन हो जाएगी कॉलम में, तो यहाँ कॉलम में वैल्यू वन स्टोर होगी। फिर यहाँ प्रोडक्ट आई जे, तो यहाँ रो में जो वैल्यू थी, जो फर्स्ट टाइम हमारी यहाँ जो रो है, रो में वैल्यू थी जीरो, है ना, सॉरी रो में जो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी, मींस जीरो थी, तो वन प्लस मींस रो में वैल्यू वन स्टोर हो, मींस लास्ट टाइम वन स्टोर थी तो वन यहाँ पे कॉपी होगी, तो वन और कॉलम में वैल्यू वन है, तो वन इंटू वन होगा, तो वन इंटू वन इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा प्रोडक्ट में, और वन मीन्स रो और कॉलम आई और जे में, और मीन्स प्रिंट करेगा प्रोडक्ट आई जे। तो प्रोडक्ट आई जे मीन्स इंडेक्स ले लेगा यहाँ पे, जो इसका इंडेक्स रहेगा, इसका जो इंडेक्स है इसका वन वन, जो इसका इंडेक्स है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वन, क्योंकि ये इसका रो में वन है और कॉलम में वन, तो वन प्रिंट हो जाएगा। अब इसका इंडेक्स फिर से यहाँ पे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर ये लूप चलेगा यहाँ पर, तो कॉलम की वैल्यू फिर से यहाँ बढ़ेगी, तो कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी रो की वैल्यू कितनी है वन, और कॉलम की वैल्यू यहाँ पे जे अब हो जाएगा टू, तो टू लेस देन कॉलम मीन्स ये फाइव, तो कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पे रो की वैल्यू थी वन और कॉलम की वैल्यू हो जाएगी टू, तो टू इंटू वन, तो टू इंटू वन यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स टू और जो आपका रो है, मीन्स आपकी रो है वन और कॉलम टू, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो आपका इंडेक्सिंग है जीरो मीन्स वन और टू की जगह टू, इस तरह से सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो एक लाइन में सारे कॉलम प्रिंट होने के बाद लूप मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, तो सेकंड टाइम फिर कॉलम प्रिंट हो गया टू, और टू फिर प्रिंट होगा, फिर टू इस तरह से, फिर मीन्स सारी सेकंड आपकी जो कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, और फिर इस तरह से आपका ये सारे मैट्रिक्स जो है प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आई थिंक आपको पूरा ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डी एरे, टू डी एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो आई थिंक जो वन डी में हम यूज़ करते थे उसी तरह से हम टू डी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कॉलम हम यहाँ पर लेंगे, एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक कॉलम को। तो यहाँ पे रो जीरो 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 को रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम में वन वन वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन टू थ्री, तो टू थ्री मीन्स दो आपके जो रहेंगे रोज और थ्री कॉलम, सो जीरो जीरो एंड वन वन। इसी तरह से टू थ्री को और आगे हम फर्दर देख सकते हैं कि जीरो जीरो और वन वन, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक में हमने यहाँ साइज नहीं दी और यहाँ पे साइज दी, तो इस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जीरो 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 वन वन, ये वैलिड फॉर्म है। और यहाँ पर भी आप टू थ्री आपने साइज ली तो आप यहाँ दो एलिमेंट स्टोर करा सकते हो और यहाँ पे वन, ये भी एक वैलिड ऑप्शन है। मल्टी डायमेंशन एरे, तो मल्टी डायमेंशन एरे मीन्स दो डायमेंशन में, टू डायमेंशन एरे से आप थ्री या फोर डायमेंशन आप यूज़ करते हैं तो उसको हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। तो द एरे थ्री डायमेंशन और मोर डायमेंशन द एग्जैक्टेड लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर, तो द जनरल फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, यहाँ पे कुछ ही डेटा टाइप रहेगा, यहाँ एरे का नेम और यहाँ पे आपका साइज रहेगा एरे का, कितने साइज तक आप यूज़ कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एग्जांपल हैं, इंट सर्वे 3 5 12, और यहाँ पे एक फ्लोट टेबल ली 5 4 5 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सर्वे इन थ्री डी, क्योंकि थ्री डायमेंशन का है, तो थ्री डी एरे डिक्लेयर टू कंटेन 180 इंटीजर टाइप का एलिमेंट, क्योंकि ये 180 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, क्योंकि इन सभी को हम इंटू करेंगे मल्टीप्लाई 3 × 5 × 12, तो इसका रिजल्ट आएगा 180। तो 180 इंटीजर टाइप के एलिमेंट को इस सर्वे जो एलिमेंट है वो स्टोर करेगा, सर्वे जो वेरिएबल है। और यहाँ फ्लोट जो है यहाँ पे सभी को इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 4D जो टेबल है, एरे कंटेन 300 एलिमेंट्स, तो फ्लोट पॉइंट टाइप की है, क्योंकि फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट टाइप की, तो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 5 × 3, तो इसका टोटल आएगा 300। तो 300 हम ये स्टोर करेंगे फ्लोट वेरिएबल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं द एरे सर्वे में रिप्रेजेंट द सर्वे डेटा ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इन 5 सिटीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से थ्री डी एरे यूज होगा। तो इफ़ द फर्स्ट इंडेक्स डिनोट्स ईयर, द सेकेंड जो हमारे पहला इंडेक्स है वो डिनोट कर रहा है हमारा ईयर, सेकंड सिटी को, और जो थर्ड हमारा जो है
जो यहाँ पे साइज दी वो मंथ को, तो यहाँ पे पहला ईयर है, सेकंड हो जाएगा, और जो थर्ड वो थ्री सिटी हो जाएगा क्योंकि थ्री सिटी को डिनोट करेगा, और जो मंथ है लास्ट जो 10 मीन्स अक्टूबर को, तो इस तरह से डिनोट द रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इन द सिटी थ्री, तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट करेगा। तो द 3D एरे कैन रिप्रेजेंट एज सीरीज ऑफ 2D एरे एज शोन बिलो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आप सेकेंड ईयर में थर्ड सिटी में और आपका 10 मंथ में जो वो रिप्रेजेंट करेगा रेनफॉल, तो इस तरह से आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और इनिशियलाइजेशन ऑफ 3D एरे, अब 3D एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो आपने इस तरह से 3, 4, 2 साइज ली, तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं 2, 4, 7, 8, 3, तो इस तरह से ये एक फॉर्म हो गया। फिर सेकंड फॉर्म 7, 6, 3, 4, 5, 3 एंड इधर, क्योंकि आपको 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 3, 4, 2, क्योंकि 4, 3, 12, 24, मैंने 24 एलिमेंट स्टोर करेगा, तो इस तरह से 24 एलिमेंट आपको स्टोर करने पड़ेंगे। बाउंस चेकिंग, तो जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं एरो को, तो वहाँ पे हम उसकी साइज चेक करते हैं, क्योंकि इन द सब स्क्रिप्ट यूज एन एरे एक्सीड द साइज ऑफ एरे, दिस विल लीड टू अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, देयर विल बी नो मैसेज जनरेट इन द सम केसेस, द कंप्यूटर में जस्ट हैंग द फॉलोइंग प्रोग्राम ये मे बी सुसाइडेबल, मतलब इस तरह के प्रोग्राम डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरे की साइज ली 40 ली, और यहाँ पे हमने लूप चला दी 100 तक, क्योंकि ये 40 तक लूप चलेगा, उसके बाद तो फिर 100 तक रन होगा, तो इस तरह से प्रोग्रामर के लिए काफ़ी इस तरह के लूप हार्मफुल रहेंगे। यदि आप 40 तक की साइज ले रहे, तो यहाँ पे लूप को भी आप 40 तक ही उसको रन कराएंगे, तो इस तरह के प्रोग्राम हार्मफुल हो सकते हैं, हैंग भी हो सकता है सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं पासिंग एरे एलिमेंट टू अ फंक्शन, अब एरे एलिमेंट को किस तरह से फंक्शन में पास करते हैं, तो एरे में एलिमेंट पास टू अ फंक्शन बाय कॉलिंग द फंक्शन बाय वैल्यू और रेफरेंस, मतलब हम फंक्शन में या तो वैल्यू पास कर सकते हैं या उसका रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। तो इन कॉल बाय वैल्यू पास द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट टू द फंक्शन एंड कॉल बाय रेफरेंस टू पास द एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट टू द फंक्शन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रोग्राम है इसमें हम वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया ये जो एरे की 5, यहाँ पे एलिमेंट्स 5 मीन्स 5, 3, 8, 2 एलिमेंट स्टोर लिए, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप चलाया, तो इस तरह से हम एक एक एलिमेंट को पास करेंगे। तो डिस्प्ले एक हमने फंक्शन ले लिया, और फंक्शन में हम एक एक वैल्यू पास करेंगे, सबसे पहले जो 5 वैल्यू पास होगी मार्क्स आई मीन्स यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग में, और ये फंक्शन कॉल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो एक वैल्यू इसमें पास होगी 5, क्योंकि पासिंग द वैल्यू, तो सबसे यहाँ पे कॉल होगा फंक्शन, तो 5 वैल्यू यहाँ पे इंटीजर एम में स्टोर होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। अब इसके बाद सेकंड टाइम फिर लूप चलेगा, क्योंकि लूप 6 टाइम चलेगा, 7 टाइम चलेगा, क्योंकि 0 से चेक हुआ। हाँ, फिर सेकंड टाइम जो वैल्यू स्टोर होगी 1 इंडेक्सिंग पे, तो 3 वैल्यू स्टोर होगी, फिर 3 वैल्यू फिर पास होगी, डिस्प्ले फंक्शन फिर से कॉल होगा, तो 3 वैल्यू पास होगी, फिर 3 वैल्यू प्रिंट करेगा, इस तरह से लास्ट जो है 6 वैल्यू इस तरह से प्रिंट होगा, क्योंकि लूप पूरा चलने के बाद, क्योंकि जैसे 7 होगा तो 7 <= 7 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो पूरे एलिमेंट प्रिंट होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्चुअल वैल्यू फंक्शन में हम पास करते हैं, तो ये फंक्शन है, फंक्शन में हम एक्चुअल वैल्यू मीन्स वैल्यू पास करते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे किस तरह से रेफरेंस पास करते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम प्रोग्राम है, और यहाँ पे हमने क्या किया एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा हर एक जो वेरिएबल है एलिमेंट है उसकी वैल्यू का एड्रेस पास करेगा, तो ये डिस्प्ले फंक्शन में हर बार उसका एड्रेस पास करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंटर यूज़ किया, तो पॉइंटर क्या करेगा उस एड्रेस को उसकी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे उसको मीन्स उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिसीव करेगा, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरह से 1 बाय 1 वैल्यू का हम एड्रेस पास करेंगे, और यहाँ पे हम ए पासिंग द एड्रेस ऑफ रेफरेंस मीन्स हर एड्रेस मीन्स वैल्यू का एड्रेस हम पास करेंगे, और यहाँ पे जो स्टार है मीन्स वैल्यू एट एड्रेस जो है ऑपरेटर, तो ये वैल्यू एट एड्रेस मीन्स उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिसीव करेगा और प्रिंट करेगा। इस तरह से हम फंक्शन पासिंग द वैल्यू और पासिंग द रेफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं एरे के थ्रू। पॉइंटर एंड एरे, अब किस तरह से पॉइंटर्स एंड एरे हम यूज़ करते हैं, इस प्रोग्राम से हम पूरा क्लियरली समझेंगे कि
यहाँ पे इंटीजर i3 एंड यहाँ पे हमने पॉइंटर x लिया, और यहाँ पे फ्लोट हमने z इज इक्वल टू 1.5 एंड पॉइंटर y, एंड यहाँ कैरेक्टर के c कैरेक्टर एंड पॉइंटर z। अब सबसे पहले हमने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ i, तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होगी, तो i की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे j में वैल्यू है 1.5, तो 1.5 प्रिंट हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ k, तो k में वैल्यू है c, तो c प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x एड्रेस ऑफ i, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल को थोड़ा सा मींस एड्रेस फॉर्म में हमने उसको चेंज किया, मींस तीनों का एड्रेस यहाँ पे असाइन किया अलग अलग वेरिएबल में, x y z। तो यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करके तीनों वेरिएबल का एड्रेस हमने तीनों वेरिएबल में स्टोर कराया, एक्स वाई जे। अब एक्स और वाई जे को हम प्रिंट करेंगे, तो एक्स में आई का एड्रेस प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आप ओरिजिनल एड्रेस ऑफ एक्स, तो एक्स में जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स का जो है एक्स में आई का एड्रेस स्टोर कराया है, तो ये एक्स एक्स में उसका एड्रेस प्रिंट करेगा आई का, यहाँ पे वाई का मीन्स जो जे का एड्रेस प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जेड में जेड प्रिंट करेगा जो कि के का एड्रेस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस, हमने तीनों एड्रेस को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू एड्रेस ऑफ इन एक्स, तो यहाँ पे न्यू एड्रेस इन एक्स। अब यहाँ पे 1004 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1002 जो लास्ट एड्रेस था, तो उसी सीक्वेंस फॉर्म में ही ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक्स क्या था, इंटीजर टाइप का था, तो यहाँ पे इंटीजर जो है 2 बाइट लेता है मेमोरी में, तो 2 बाइट इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 2+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1004 प्रिंट होगा। अब सेकंड जो है आपका एड्रेस था फ्लोट टाइप का, तो फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पे आपका सबसिक्वेंटली जो है 4 था, 2004, तो यहाँ पे 4 बाइट मीन्स 2008 जो नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट होगा वो उसमें 4 जो मीन्स मेमोरी ब्लॉक आगे जाके इसमें स्टोर होगा, तो यहाँ प्रिंट होगा न्यू एड्रेस वाई का 2008। और लास्ट में जो था कैरेक्टर टाइप का जेड, तो जेड में कैरेक्टर टाइप का तो कैरेक्टर टाइप लेता है 1 वैल्यू, तो यहाँ पे 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इस तरह से 5007 प्रिंट होगा। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोग्राम पॉइंटर एंड एरे क्लियरली समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैंने पूरे पॉइंट एकदम क्लियरली समझाए हैं आपको। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।